काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। लोकसभा निर्वाचन की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। बात की जाए रीवा के तो बता दें कि रीवा माँ अब तक एक प्रत्याशी के द्वारा अपन नामांकन दाखिल कीनगा है, जबकि चुनावी खर्च पर आयोग के कड़ी नजर रही। बता दें कि रीवा कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पॉल के द्वारा जानकारी दी गई कि अब तक केवल एक प्रत्याशी के द्वारा अपन नामांकन दाखिल करवावा गया है। वन्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहां पूजा अपना पंचे सभाजन का प्रणाम करी थी, शुरू करी थी। बड़ी खबर से बता दें कि रीवा में लोकसभा निर्वाचन को लेकर तैयारी जोर शोर से जारी है। जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पॉल के द्वारा बतावा गया कि अब तक एक प्रत्याशी के द्वारा अपन नामांकन दाखिल करवावा गया है, जबकि 8 से 9 इच्छुक अभ्यर्थी नामांकन के खातिर फॉर्म ले चुके हैं। प्रत्याशी के खातिर चुनावी खर्च पर जो है कड़ी निगरानी रखी गई और एक खातिर FST टीम, SST टीम, DST टीम, BBT टीम और अकाउंटिंग की टीम पूरी तरीके से सक्रिय है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा अपना का बता दी कि 95 लाख रुपया निर्धारित की गई है। जितना प्रत्याशी के नामांकन दाखिल हुई वो तमाम प्रत्याशी का नामांकन के तारीख समाप्त हुए के पहले पहले चुनावी खर्च के बारे में ट्रेनिंग दी जाए। सब प्रत्याशी का अपने खर्च के ठीक ठीक हिसाब दे जरूरी हुई, जबकि गड़बड़ी पाए जाए पर इनका आयोग के खिलाफ घोषित की जा सकत है। अभ्यर्थी का अपने नामांकन के साथ अपने व्यय खाता के डिटेल देख पड़े थे। एक साथ ही साथ अभ्यर्थी का लेखा रजिस्टर दिन जाता है। अकाउंट रजिस्टर दो तरीके से तैयार किया जाता है। बता दें कि जो कैंडिडेट अपन अकाउंट रजिस्टर तैयार कर रहा था, जबकि आयोग के अपन अकाउंट रजिस्टर होते हैं, जिसका निरीक्षण चुनाव आयोग के अधिकारी के द्वारा किया जाता है और जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। मैम, चुनावी खर्च को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ नजर रखी जा रही है? अपने यहाँ लोकसभा निर्वाचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि नॉमिनेशन का दूसरा दिन है और एक कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन भी फाइल किया है जी। इस संबंध में व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। कल अपने यहाँ एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी आ गए हैं और अपने यहाँ जो व्यय निगरानी के लिए टीम बनाई गई है वो विभिन्न स्तरों की टीम है, जिसमें अपनी FST है, FST है, BST है, BBT है, अकाउंटिंग टीम है और फिर उनके ऊपर एक AEO बनाए गए हैं, यानी कि असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स रहते हैं। इनका काम यह है कि किसी भी प्रकार के कोई रैलियां, सभाएं, चुनावी जुलूस या अन्य जो गतिविधियां कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद करते हैं, तो उन सभी गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए रखना। जैसे कि DST टीम, जिसे हम वीडियो सर्विलेंस टीम कहते हैं, वो अपना वीडियो सर्विलेंस के माध्यम से सभी चीजों पर नजर रखती है। फिर अकाउंटिंग टीम अकाउंटिंग करती है। FST और SST की टीम्स अपने नाकों और अपनी लगातार फील्ड में उपस्थिति के माध्यम से कार्रवाई करती है। सभी अभ्यर्थियों को एक लेखा रजिस्टर भी दिया गया है। सभी अभ्यर्थी जो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो अपना एक व्यय खाता जो है सेपरेट खाता सबमिट करते हैं। जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं वो अकाउंट रजिस्टर दो जगह तैयार होते हैं। कैंडिडेट अपना तैयार करता है और हमारी टीम अपना तैयार करती है, तो इसका मिलान और इसका निरीक्षण लगातार एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर करते हैं और उसमें जो भी दिशा निर्देश है वो देते हैं। तो कुल मिलाकर के जो लोकसभा निर्वाचन के लिए वे सीमा है 95 लाख रुपये की, तो उसके संबंध में एक हम लोग सभी पोलिटिकल पार्टीज को दे चुके हैं। एक बार जब नॉमिनेशन फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद सभी अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अधिकर्ता, हम लोग लास्ट डेट और विड्रॉल के बाद उनकी ट्रेनिंग भी रख रहे हैं, ताकि उनको इस बात का भली भांति संज्ञान में रहे कि किस प्रकार से उनको खर्च करना है, हमारी रेट लिस्ट क्या है और किस तरीके से अपने रजिस्टर की अकाउंटिंग करनी है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। न होने की दशा में उसमें जो आगे चुनाव लड़ने के लिए विवाद भी हो सकते हैं यदि हम लोगों ने उसका पालन ठीक से नहीं किया किसी अभ्यर्थी ने, तो इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई। जैसा कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मैम अभी तक कितने नामांकन आ चुके हैं? अपने यहाँ 28 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और अभी एक नामांकन प्राप्त हुआ है। लगभग 8 से 9 इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं वो अपना फॉर्म लेके जा चुके हैं और अभी अपने पास चूंकि 31 तारीख और 1 तारीख जो है वो नॉमिनेशन के दिन नहीं है, 2, 3 और 4 और दिन है जिनमें कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी अपना नॉमिनेशन जो पात्रता है उसके अनुसार फाइल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।